तो सरदार शहर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी दलों के नेता उपचुनाव में अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ये चुनाव खास है, अब की बार हम ठीकरी से घड़ा फोड़ कर दिखाएंगे। कटारिया ने कहा कि रायशुमारी के बाद ही अशोक पीचा का नाम आया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल, राम सिंह कस्वा, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ सरदार शहर में चुनाव जिताने में सक्षम है। कटारिया से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा ने, सुनिए। हमारे साथ हैं प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया, उनसे बात करते हैं। कटारिया जी, चुनाव शुरू हो गया है, आपने कहा कि ठीकरी से घड़ा फोड़ेंगे, किसके ऊपर रहेगी सबसे बड़ी जिम्मेदारी? देखो, निश्चित रूप से अब की बार यहाँ जो मैं रहा हूँ दो दिन, सारे कार्यकर्ताओं का मन एकजुटता का है। और मैंने पहले दिन ये कहा कि अगर ये तीन चार लोग साथ कैंपेन करने के निकल गए तो यहाँ की हवाई बदल जाएगी, और भगवान की कृपा से आज वो ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरी जो भावना थी वो 100% सही हो रही है। यदि मैं 100% आज आपको कह रहा हूँ, अभी तो चुनाव का रिजल्ट तो 8 तारीख को आएगा, पर मेरी मन कहता है कि हम 100% ये चुनाव जीतेंगे। कार्य समिति की बैठक के दिन शाम को राम सिंह कस्वा और राहुल कस्वा अशोक पीचा के साथ आ गए थे, लेकिन अभी सुशीला सारण नहीं आई है, शिवचंद साहू को तो आप लोग मना करके ले आए, जाट समाज नाराज। मैं सोचता हूँ, मुझे तो इतना डिटेल मालूम नहीं है, पर अब की बार मैं आपको यह कह रहा हूँ 100% मैं गपट नहीं मारता हूँ, 100% यहाँ सब कार्यकर्ता इस चुनाव को अशोक पीचा बनकर लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि इस चुनाव को सभी कार्यकर्ता अशोक पीचा बनकर लड़ रहे हैं। साथ ही कटारिया ने यह भी कहा कि चूरू के प्रमुख नेता, जिनमें सांसद शामिल है, प्रतिपक्ष के उपनेता और प्रदेश अध्यक्ष शामिल है, ये अगर मिलकर सरदार शहर में निकल गए तो पार्टी चुनाव जरूर जीतेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।